देखो पहला क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन, तो क्या लगेगा? प्रिज्म फॉर्मूला। तो मिनिमम डेविएशन है व्हाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा रिफ्रैक्टिंग एंगल 60। रिफ्रैक्टिंग एंगल दो होते हैं, R1b और R2b। तो जब वो बोलता है रिफ्रैक्टिंग एंगल 60, इसका मतलब R1 प्लस R2 की वैल्यू इज इक्वल टू 60। तो इन दोनों का एंगल का सम 60, और R1 प्लस R2 क्या होता है? A। तो इसका मतलब A इज इक्वल टू 60। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो जब बोलेगा रिफ्रैक्टिंग एंगल 60, इसका मतलब A की वैल्यू इज 60। तो क्वेश्चन है A पता है, म्यू पता है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालो और इंसिडेंस निकालो। तो लगेगा तो प्रिज्म फॉर्मूला, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने मिनिमम डेविएशन वर्ड यूज कर दिया। तो प्रिज्म फॉर्मूला में म्यू पता है, ए पता है, ए की वैल्यू पुट की, इसे सॉल्व किया, सॉल्व करके क्या आएगा? डेल्टा एम आ जाएगा। तो एक आंसर डेल्टा एम आ जाएगा, डेल्टा एम आ गया। तो डेल्टा क्या होता था? डेल्टा का जो फॉर्मूला था जो हमने किया था वो ये किया था, I1 प्लस I2 माइनस ए, I1 प्लस I2 माइनस ए, और मिनिमम डेविएशन के लिए क्या किया था? I1 और I2 बराबर है, तो यहां से सॉल्व करके I की वैल्यू आ गई, डेल्टा M पता है, A पता है, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी? I की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो प्लीज। फाइंड एंगल ऑफ डिस्पर्शन बिटवीन रेड एंड वॉयलेट कलर्स। एंगल ऑफ डिस्पर्शन याद है, डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड, प्रोड्यूस बाय फ्लिंट ग्लास प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल 60। ए की वैल्यू कितनी है? 60। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड एंड वॉयलेट गिवन है, तो आपको ए पता है, म्यू आर पता है, म्यू वॉयलेट पता है। तो ये एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है? दोनों का एंगल का डिफरेंस। इसका फॉर्मूला हमने किया था, ए पता है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। आंसर तो समझ में आ रहा है क्या निकालना है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट इज इंक्लाइंड टू वन फेस ऑफ प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है,
उसने ये नहीं कहा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसने कहा इंक्लाइंड विद वन फेस, फेस के साथ एंगल 50 है। तो नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे तो इंसिडेंस का एंगल क्या आएगा 40। फिर वो कह रहा है इस केस में रे इज डेविएटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 42, डेविएशन का एंगल डेल्टा गिवन है, फाइंड और मिनिमम नहीं गिवन, सिंपल डेविएशन है, फाइंड द एंगल विच एमरजेंट रे मेक्स विद द सेकेंड फेस ऑफ द प्रिज्म। तो जो रे बाहर निकलेगी वो सेकेंड फेस के साथ क्या एंगल बनाएगी ये बताओ। तो इसमें आपको आई वन पता है, अगर मैं आपको आई टू बता दूं तो 90 में से माइनस करके आंसर आ जाएगा। आपको इस केस में ए पता है, डेविएशन पता है, आई वन इसमें 40 पता है, आई टू निकालने के लिए फॉर्मूला, तो आप इसमें आई टू निकाल लेना फिर 90 में से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा 28। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, आई वन निकल गया आई टू निकल गया तो फेस के साथ एंगल आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो,